हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। तो गाइस, आज आपके लिए यूपी टीजीटी 2013 पार्ट नंबर 4 लेके आया हूँ। इससे पहले अभी तक भी 3 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिस किसी ने नहीं देखे वो देख सकता है। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। फाइंड द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द पैराबोला एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल टू प्लस सी। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, कौन से हैं? तो गाइज, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना पड़ेगा, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इस टाइप से। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आप देख रहे हो बाई में क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब हमें बाई में क्वाड्रेटिक जो दे रखा है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप की बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करना है गाइज, आप देख रहे हैं इस इक्वेशन को आप ए स्क्वायर से डिवाइड कर लिए, जिससे बाई स्क्वायर के साथ में कुछ भी ना रहे। तो ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, उसके बाद में जो ए है सी अपान है उसको एल एच एस में ले आएंगे। ठीक है गाइज, एल एच एस में लाने के बाद आप देख रहे हो आर एच एस में ये पार्ट बचा है, इसमें बी स्क्वायर अपॉन 4 ए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऐड कर दिया और इतना ही माइनस कर दिया। तो गाइज, यहाँ से यहाँ तक हमारा बाई प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जो माइनस का बी स्क्वायर है उसको हम दूसरी साइड ले आएंगे। ठीक है, और इधर आके ऐड हो जाएगा और दोनों से a कॉमन कर लेंगे और ये इसको इस साइड लिख दिया। तो गाइज, आप देख रहे हो एक इक्वेशन बन चुकी है आपकी परफेक्ट स्क्वायर बाई स्क्वायर की तरह, और इधर ये आ चुका है। तो गाइज, y माइनस बीटा स्क्वायर 4a एक्स माइनस अल्फा टाइप की इक्वेशन बन गई। तो इसमें गाइज हमारा 4a जो होता है वो लेटेस्ट रिएक्टम होता है, और गाइज आप इसको देख रहे हो इसमें हमारा 4a की जगह कितना 1/a, तो हमारा लेटेस्ट रिएक्टम कितना हो जाएगा 1/a हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइज, ये जीपी सीरीज का क्वेश्चन है। लिखा इफ पी क्यू आर एस आर इन जी पी देन 1/p² प्लस क्यू स्क्वायर विल बी, इस टाइप की इक्वेशन जो होगी वो किस में होगी? तो गाइज ए पी जी पी एच पी या नन ऑफ दिस। तो गाइज सिंपली आपको पता है जब कोई जीपी सीरीज होती है तो नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से अगर हम डिवाइड करें तो वो रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। तो हर अगले वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करते जाएंगे, जो रेशियो आएगा वो सेम रहेगा। अब इस रेशियो का गाइज हमने क्या कर लिया, स्क्वायरिंग कर लिया, तो स्क्वायरिंग भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लिया। अब गाइज क्या करते हैं, इनको एक प्रोपोर्शनल रेशियो होता है न्यूमरेटर न्यूमरेटर में डिनोमेटर डिनोमेटर में ऐड करके हम इक्वेशन बना सकते हैं, ऐसी इस साइड कर लेंगे। तो पी क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर आर स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एस स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद गाइज आप देख रहे हो 1/p² प्लस क्यू स्क्वायर, और जो ये लिखा है नीचे इसको हम नीचे करके 1/ करके फिर से लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके। तो गाइज यही रूल अपनाया है यहाँ पे, पहले जो नीचे वाला था डिनोमेटर उसको 1/ तो लिख ही सकते हो, जो नोमेरेटर में था उसको भी ऊपर से नीचे ले आए 1/ करके, यही आर एच एस में भी किया है। अब गाइज आप देख रहे हो ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म है। ठीक है, इसको आपने फर्स्ट टर्म से क्या किया, डिवाइड किया है, ऐसे इधर देखिएगा। अब ये कौन सी टर्म है गाइज, आपकी सेकेंड टर्म है, इसको आपने इस टर्म से क्या करा है, डिवाइड करा है। तो गाइज यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि हर अगले वाली टर्म को अगर प्रीवियस टर्म से हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो रेशियो आता है वो किसका आता है, जीपी का आता है, वो जो सेम होता है। तो गाइज ये वाली जो टर्में होंगी वो आपकी किस में हो जाएंगी, जीपी में हो जाएंगी। यहाँ पे क्या रहा है, नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म से डिवाइड करने पर रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये किस में हो जाएंगी, जीपी में हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं होती। आपको बताएगा इस मीन मीडियन और मोड, मीन मीन मतलब माध्य हो सकता है या एवरेज हो सकता है। ठीक है गाइज, मीन मीडियन और मोड ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं, और जो रेंज जो होता है गाइज वो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता है। तो गाइज इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इन्होंने पूछा कौन सा नहीं है। ठीक है गाइज, तो सेंट्रल टेंडेंसी में रेंज नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे गाइज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है 65। लिखा है ये बस कवर्स 195 किलोमीटर इन 3 आवर्स, मतलब एक बस है 195 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है, और दूसरा एक ट्रेन है जो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 घंटे में तय करती है। गाइज दोनों की स्पीडों का रेशियो पूछा है, बहुत ही आसान, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बस की स्पीड निकाल ली और ये ट्रेन की स्पीड निकाल ली। तो गाइज हमें S1/S2 चाहिए, तो S1 195/3 और 300/4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और 300 नीचे आ जाएंगे। तो गाइज 5 से कट कर लिया तो 60 × 5 = 300, 39 × 5 हो जाएगा 195। फिर गाइज हमने 3 को 39 से कट कर लिया 13, और 4 से 60 को कट कर लिया 15, तो 13:15 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इफ ओमेगा बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर। गाइज आपको दो फॉर्मूले पता होते हैं जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखा होता है। पहला ये होता है
वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ओमेगा क्यूब इक्वल टू होता है वन। तो गाइज आप यहाँ पे देख रहे हैं वन और ओमेगा स्क्वायर प्लस में है, तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम माइनस ओमेगा लगा सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे माइनस ओमेगा लगा दिया, यहाँ पे वन प्लस ओमेगा है प्लस में तो माइनस ओमेगा स्क्वायर लगा सकते हैं इसकी जगह। ठीक है गाइज, अब ये हो जाएगा माइनस का टू ओमेगा और ये हो जाएगा माइनस का टू ओमेगा स्क्वायर, माइनस टू माइनस टू। तो गाइज कितना हो जाएगा, ये गाइज थोड़ी सी गलती मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे जो हो जाएगा वो प्लस का फोर हो जाएगा गाइज। ठीक है, माइनस टू माइनस टू माइनस फोर ओमेगा क्यूब। तो गाइज यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का फोर आ जाएगा, और प्लस का फोर और ओमेगा क्यूब वन होता तो आंसर भी गाइज कितना आ जाएगा, प्लस का फोर आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज, करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन का भाई मिस्टेक गलत लिख गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज, इन ए सेट हैज एन एलिमेंट देन द नंबर ऑफ सबसेट्स। आपको गाइज पता है किसी भी सेट में अगर एन एलिमेंट्स होते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट टू की पावर एन होते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है गाइज, टू की पावर एन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, 68 गाइज क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई अपॉन 18, साइन 5 पाई अपॉन 18, साइन 7 पाई अपॉन 18। गाइज पाई, पाई की वैल्यू होती है 180, 180 के अपॉन में 80 करेंगे कितना आ जाएगा 10, अर्थात पाई अपॉन 18 कितना होता है 10। तो पहला हो जाएगा साइन 10, साइन 50, साइन 70। तो साइन 10, साइन 50, साइन 70 में गाइज हम क्या कर रहे हैं, रूल लगा ले रहे हैं, साइन 70 और 50 को एक पास कर लेते हैं, 10 को बाहर कर देते हैं। तो गाइज 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड भी कर लिए तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो गाइज पहले माइनस होता है तो 50 माइनस 20 करेंगे तो कितना, 50 सॉरी 70 माइनस 50 करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 70 प्लस 50 करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब ये 20 को तो ऐसे ही लिख दिया और बाहर के साइन 10 से मल्टीप्लाई कर दी, इसलिए आ गया कॉस 120 जो होता है माइनस वन हो तो माइनस हाफ होता है, और हाफ पहले से लिखा, माइनस पहले से लिखा इसलिए प्लस हाफ हो जाएगा, साइन 10 से मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है गाइज, अभी क्या करना है, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा देना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, 2 से डिवाइड करना। तो गाइज 2 से मल्टीप्लाई कर ली, 2 से डिवाइड कर लिया। अब 2 कॉस ए इंटू साइन बी में क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है गाइज। ठीक है गाइज, अगर कॉस पहले आता है, एक साइन एक कॉस में होता तो दोनों साइन में होते, ये ध्यान रखिएगा दोनों साइन में खुलते हैं। अगर कॉस पहले होता है तो बीच में नेगेटिव आ जाता है, अगर पहले साइन होता तो बीच में पॉजिटिव आता। तो गाइज पहले ऐड होगा तो साइन 20 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, साइन 30, दूसरी बार में माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू गाइज आपको पता है 1/2 होती है। तो गाइज अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये हाफ साइन 30 और ये माइनस का हाफ साइन 10 और ये प्लस के हाफ साइन 10 से कैंसिल हो जाएगा, और साइन 30 1/2 और 1/2 ये आगे लिखा हुआ और एक 1/2 आगे। तो ठीक है गाइज, टोटल हो जाएगा 1/2 1/2 1/2 1/8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज, आपसे क्या पूछ लिया, मीडियन पूछ लिया। तो मीडियन का फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। तो गाइज पहले जो डाटा दे रखा है ना आपको, सबसे पहले उस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में जरूर लगा लीजिएगा, वरना क्वेश्चन बहुत सारे गलत होने के चांस होते हैं। पता चलता आपने पूरा मीडियन निकाल लिया, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया ही नहीं था तो गलत ऑप्शन चूज कर लिए। तो सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। ठीक है, उसके बाद इसमें नंबर देख लो कितने, 9 9, मतलब ऑड। ऑड के लिए जो फार्मूला होता है उसका, एन प्लस वन अपॉन टू बाई टू, एन प्लस वन अपॉन टू यथ टर्म। तो गाइज एन की वैल्यू कितनी है, 9, 9 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5, फिफ्थ टर्म देखना। तो गाइज इसका फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा, 39, तो 39 ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रेशनलाइजेशन पे है। तो गाइज मैंने डायरेक्ट किया है, ये देखो माइनस में है तो इसके कॉन्जुगेट मतलब प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब गाइज इसके प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी तो एक को समझ लीजिएगा तो ऊपर प्लस आ जाएगा और नीचे गाइज एक माइनस है और एक प्लस है। जब एक माइनस एक प्लस होता है, जैसे ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो गाइज उसका फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और अंडर रूट 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मैंने गाइज डायरेक्ट कर दिया है, ऐसा सब में ही कर दिया है, ऐसे ही ऊपर आ जाएगा रूट 8 प्लस रूट 7 और नीचे आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो वो 8 बन जाएगा, रूट हट जाएगा। ऐसे यहाँ पे ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे 7 माइनस 6 हो जाएगा, ऊपर प्लस नीचे 6 माइनस 5 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 5 माइनस 2 4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है गाइज, तो नीचे देख रहे गाइज हर जगह 1 बनने वाला है, तो 1 हर जगह बनने वाला, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे माइनस आ रहा है ना किसी से पहले, तो उसके साइन अपोजिट कर दीजिएगा, ये 3 प्लस, इससे बाहर माइनस लगा, साइन बदल गया, इससे प्लस लिखा, इससे बाहर माइनस, सब कट गए गाइज एक दूसरे से, ये सभी कट गए। ठीक है, क्या बचा, स्टार्टिंग में रूट 3 और लास्ट में 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा गाइज, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इफ़ पी क्यू आर द 3 सेट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो गाइज सिंपली मैं आपको बता दूँ, इसमें पहले तो ये ट्रू है तो इसी पे चर्चा कर लेते हैं, बाकी नहीं करेंगे।
तो गाइज ये जब होता है, जो ये वाला साइन होता है पी के साथ, ये हमेशा साथ में चलता है, और जो ये वाला होता है, ये वाला गाइज साइन जो इंटरसेक्शन का लगा, ये बीच में आ जाएगा दोनों के, तो पी यूनियन क्यू हो जाएगा। और जो बीच वाला है गाइज, ये जो साइन आएगा ये बीच में आता है गाइज, और जिससे साथ में होता है, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो साथ चलता है, तो पी यूनियन क्यू हो जाएगा, और जो बीच वाला था इंटरसेक्शन वो बीच में आ जाएगा, फिर पी यूनियन आर हो जाएगा। ठीक है गाइज, खोलना ध्यान रखना, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज दे रखा है मैं 72, ए वेक्टर वी बी प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस में लिखा हुआ। ठीक है गाइज, जब गाइज एक बात आपको बता दूँ, ए वेक्टर वी वेक्टर और सी वेक्टर किसी भी अगर बड़ी ब्रैकेट के अंदर होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट ब्रैकेट के अंदर होता है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और गाइज एक चीज़ और बता दूँ, इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी दो वैल्यू सेम हो गई, ए बी सी में कोई भी दो वैल्यू सेम हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वो सेम वेक्टर आ जाते हैं और सेम वेक्टर का क्रॉस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसलिए गाइज हम इसकी वैल्यू को, अगर कोई भी दो अंदर सेम हो गए तो उसको हम जीरो कर देंगे। तो गाइज सिंपली करना क्या है, आप देख सकते हो, तो ये वाला डॉट में आ जाएगा और ये दोनों एक दूसरे के आपस में क्रॉस में आ जाएंगे। पहले बी से सबका क्रॉस कर लें, फिर सी से सबका क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है गाइज, तो पहले सभी का बी से क्रॉस कर दिया, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, तीनों से कर दिया। ठीक है गाइज, फिर सी का तीनों से क्रॉस कर देना है। तो गाइज क्या करना, जो सेम सेम बने उन्हें कट कर दीजिएगा, तो सी क्रॉस सी जीरो हो जाएगा। ठीक है गाइज, और बी क्रॉस बी जीरो हो जाएगा। गाइज जैसे क्रॉस में क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है गाइज, अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो माइनस का बी क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक है, उल्टा करने पे, बट डॉट में सेम चेंज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट क्रॉस में अगर हमें एक नंबर आगे से पीछे करना तो माइनस लगाना पड़ता है। तो गाइज वही कंडीशन यहाँ बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी में है। जब हम इसको सी क्रॉस बी को बी क्रॉस सी लिखेंगे तो आगे माइनस आ जाएगा, तो इसलिए एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ बचा है बी क्रॉस ए और सी क्रॉस ए बचा हुआ है। दोनों को लिख दिया गाइज, ये बीच में प्लस लगा हुआ है। अब गाइज जब यहाँ सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो गाइज, जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करने वाले हैं ए से, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा। गाइज इसको अभी वही बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर सकते हैं, जब तीन नंबर एक बाहर डॉट में अंदर क्रॉस में हो। आप देख रहे हैं गाइज, यहाँ दो नंबर सेम हो गए ए, यहाँ भी दो नंबर सेम हो गए, अगर इसके अंदर दो नंबर सेम हो जाते तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 73। इसमें गाइज लिखा है, इफ टेन अल्फा बाई टू एंड टेन बीटा बाई टू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 8x² माइनस का 26x प्लस का 15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो गाइज सिंपली जो आपको टेन अल्फा बाई टू टेन बीटा बाई टू रूट्स दे रखे हैं, इनको क्या करेंगे, पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लें, फिर प्रोडक्ट्स ऑफ रूट निकाल लेंगे। तो गाइज सिंपली देखेंगे तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा गाइज, इन दोनों रूट्स को ऐड कर लेना है, और जो इक्वेशन दे रखा है ये होता क्या है, माइनस का बी का एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो गाइज माइनस एक्स का कोफिशिएंट करेंगे तो एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए 26 हो जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाता है, और डॉट वाले में क्या हो जाता है, प्रोडक्ट वाले में कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में ये आ जाएगा। तो ये पहला वाला आ जाएगा, जो प्रोडक्ट सम करेंगे 26 अपॉन 8, और जो प्रोडक्ट करेंगे वो आ जाएगा 15 अपॉन 8। ठीक है, ये दोनों चीज़ें निकाल ली, सम निकाल लिया 15, ठीक है, और प्रोडक्ट निकाल लिया गाइज। फिर टेन अल्फा प्लस बीटा, मतलब टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन बीटा बाई टू का फार्मूला लगा दिया, टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो टेन ए प्लस बी आपको डायरेक्ट गिवन है गाइज, कितना 26 अपॉन 8, और टेन अल्फा बाई टू इंटू टेन बीटा बाई टू डायरेक्ट गिवन है 15 अपॉन 8। तो गाइज दोनों जगह फार्मूला लगा दिया, ऊपर 26 अपॉन 8, नीचे 1 माइनस 15 अपॉन 8। जब गाइज इसका एलसीएम लेंगे तो 8 माइनस 15 तो माइनस का 7 आ जाएगा, तो यहाँ से ये आ गया। अब हमें कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है जी, क्या होता है ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है गाइज, हमारा क्या होता है फार्मूला गाइज, यहाँ पे अल्फ़ा बाई टू होगा इस फार्मूले में, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, और यहाँ भी होगा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू होगा, ये गलत लिख गया है गाइज, तो यहाँ पे एक गलती को सुधार लेना है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू लगा देंगे, जो अभी ऊपर से निकाला था टेन अल्फ़ा बाई टू का, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू की वैल्यू जो ऊपर से निकाली थी वो यहाँ पे लगा देंगे, माइनस का 26 अपॉन 7, इसका स्क्वायर करके गाइज कैलकुलेशन कर लेंगे, और ये कैलकुलेशन सभी कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 627 अपॉन 725। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये गाइज सिंपली फार्मूला पूछ लिया है आपसे, ये इसलिए पूछा गया है गाइज, क्या होता है ना जल्दी में गलत कर देते हैं बच्चे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा होता है, बट गाइज यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हाइपरबोलिक लगा हुआ है, तो हाइपरबोलिक में जो होता है कॉस स्क्वायर
कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड, जेड भी कोई एंगल हो सकता है, तो इसकी वैल्यू वाइज हाइपरबोलिक के केस में वन होती है। अगर हाइपरबोलिक नहीं होता तो इसकी वैल्यू कॉस टू थीटा हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लिखा है इफ़ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, मतलब दो फोर्स पी और क्यू किसी पार्टिकल पे लग रहे हैं और उनके बीच का एंगल थीटा है और उनका रिजल्टेंट फोर्स कितना है गाइज, आर है। इफ़ द रिजल्टेंट फोर्स आर डिस्प्लेस्ड इन द फोर्स पी डायरेक्शन इज टू पी, मतलब जो आर वेक्टर का पी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो गाइज कितना है, टू पी है। आर वेक्टर का पी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कितना है गाइज, टू पी है। अब इसको सिंपली ये चार ऑप्शन दे रखे, कौन सा सही होगा, तो गाइज देख लीजिएगा, ये फोर्स हमारा पी लग रहा है, इस पर क्यू लग रहा है और ये रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है। अब आर का जो पी की डायरेक्शन में फोर्स है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है गाइज, अल्फा, तो आर का पी की डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, आर कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है गाइज, ये रिजल्टेंट पी बन जाएगा। तो सिंपली अभी गाइज क्या करो, पहले इसमें लगा लो ओ एम और इसमें लगा लेते हैं पूरे में ओ, इस वाले में पूरे में पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है गाइज, जब लगाएंगे तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो जाएगा ओ एम और हाइपोटेनियस हो जाएगा ओ एन। ओ एन गाइज हमारा आर है तो ओ एम इक्वल टू आर कॉस अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही अब छोटे वाले ट्रेंगल में लगा लेते हैं इसमें। ठीक है गाइज, जब इसमें लगाएंगे तो कॉस थीटा बेस, बेस हो जाएगा एल एन और हाइपोटेनियस हो जाएगा एल एन और बेस हो जाएगा एल एम। ठीक है गाइज, तो यहाँ से जो एल एन है वो गाइज है हमारा कौन सा फोर्स था, ये क्यू, तो क्यू कॉस थीटा हो जाएगा एल एन। ठीक है गाइज, अब सिंपली अगर हमें क्या निकालना हो, ये बीच का पार्ट निकालना हो ओ एल, तो गाइज क्या करेंगे, पूरे ओ एम में से एल एम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यही वाला कंपोनेंट हमें पता है, तो ओ एल जो हमें पता है वो पी पता है। ठीक है गाइज, अब ये हमने इस तरीके से निकाल लिया दोनों की वैल्यू। अब जो क्यू कॉस थीटा है गाइज उसको दूसरी साइड ले आएंगे तो वो प्लस हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, अब गाइज जो आर कॉस अल्फा, आर का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है पी की डायरेक्शन में वो कितना है, आर कॉस अल्फा, और आर कॉस अल्फा की जो वैल्यू है गाइज वो कितना है, टू पी है। कितने हैं गाइज, टू पी, मतलब आर का पी की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा आर का सल्फा, और आर का सल्फा जो दे रखा है वो टू पी दे रखा है, तो पी इधर आके एक माइनस हो जाएगा, तो पी इक्वल टू क्यू कॉस थीटा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज, यहाँ पे आपको ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर का मॉड बी, ए माइनस बी वेक्टर का मॉड दे रखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी वेक्टर के मॉड निकालना है। ठीक है, तो सिंपली गाइज दो फार्मूले यहाँ पे लगाने हैं, एक बार माइनस का फॉर्मूला ओपन कर दीजिएगा और एक बार प्लस का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, जिसकी वैल्यू गाइज पता है वो लगा दीजिएगा। उसके बाद दोनों इक्वेशनों को गाइज हमें क्या करना है, ए माइनस बी हमें पता था 8 तो स्क्वायर हो जाएगा 64, ए पता था कितना था 5, 5 का स्क्वायर 25, बी नहीं पता है, इधर भी हमें ए पता है लगा दिया। दूसरी वाली इक्वेशन में बस माइनस की जगह प्लस आ जाने वाला है, दोनों को जब ऐड करोगे गाइज तो आप यहाँ से देखिएगा प्लस करने पर गाइज क्या आ रहा है, ये वाला जो माइनस में लिखा है 10b बनेगा और ये प्लस में बनेगा, ये कट जाएगा और ये 100 और 64 164 आ जाएगा, 25 और 25 50 हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब क्या करना है सिंपली, तो ये 50 इधर आके माइनस हो जाएगा, 164 से 14 बचेगा, 14 दो से कटेगा तो 57 आ जाएगा और बी के मॉड का स्क्वायर 57 है तो बी कितना हो जाएगा, रूट 57 हो जाएगा। नेक्स्ट 77, इफ़ द फोर्स पी एंड क्यू आर द कंपोनेंट ऑफ द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल आने पार्टिकल, मतलब किसी पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहे थे दो पी और क्यू जिनके हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो कंपोनेंट है, ठीक है गाइज वो क्या है, पी और क्यू है। लिखा है पी एंड क्यू आर द कंपोनेंट ऑफ द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, ठीक है, आने पार्टिकल, मतलब किसी पार्टिकल के हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो कंपोनेंट है फोर्स के वो पी और क्यू हैं। ठीक है गाइज, तब इनका रिजल्टेंट क्या होगा ये पूछा गया, तो गाइज सिंपली देखिएगा, ये हमारा कौन सा पी हॉरिजेंटल है और ये कौन सा वर्टिकल है, तो जो रिजल्टेंट आर है इसका हमारा इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर थीटा बन रहा तो ऊपर 90 माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, दोनों को क्या कर देना गाइज, ये दोनों इक्वेशन बन गई, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं गाइज, इसका और इसका स्क्वायर करके जब ऐड करोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इधर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन करेंगे ब्रैकेट के अंदर बचने वाला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू गाइज क्या होती है, वन होती है, तो इधर बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आर की वैल्यू निकालना है, इसको डिवाइड कर देंगे। 78 में देखिएगा गाइज,
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है हर पेपर में। तो लिखा है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट आर 1 to 4n, लिखा है 1/n+r, फाइंड द वैल्यू। ठीक है गाइस, तो सिंपली बहुत आसान तरीके से कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे गाइस हमें क्या करना है, r अपॉन, पहले तो हमने n कॉमन कर लिया अंदर से, और r अपॉन x, n को x मान लिया। x के रिस्पेक्ट में जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो r का 1 हो जाता है 1/n, और इधर कितना हो जाएगा dx। अब गाइज हमने यहाँ से जो माना है आर अपॉन एन इक्वल टू एक्स, आर की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 1/n हो जाएगा, और एन टेंस टू इन्फाइनाइट लगाएंगे तो 1/n 0 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दूसरी बार में आर की जगह कितना लगाएंगे गाइज, 4n लगाएंगे, जो ऊपर वाली लिमिट है, तो 4n लगाएंगे, और नीचे n है तो n से n कट जाएगा, बचेगा 4, और n टेंस टू इन्फाइनाइट, जब 4 ही n बचा ही नहीं है तो x इक्वल टू कितना जाएगा 4, तो लिमिट हो गई 0 से 4, और ये गाइज 1/n जो है वो dx में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1/r/n को x मान लिया, तो ये आ चुका है 1/1+x, और 1/1+x का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो log 1+x हो जाएगा, अपर लिमिट लगाएंगे x प्लस 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 1+4 हो जाएगा 5, और लोअर लिमिट पे हो जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो सिंपली क्या हो जाएगा, log 5 इज द करेक्ट आंसर। गाइज 79 क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी बिंदु पर क्रिया करते हुए 3 बल संतुलन में है, मतलब सिंपली समझिएगा, एक पॉइंट है जिस पर 3 फोर्सेस वर्क कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, ठीक है गाइस, तो उनमें से प्रत्येक का परिमाण शेष 2 बलों के कोण की जया के अनुपात का होता है, मतलब जिसमें शेष 2 जो होते हैं उनका जो रिजल्टेंट होता है, मतलब जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या होता है, 2 बलों के कोण की जया के समानुपाती होता है। यह प्रमेय कौन सी कहलाती है गाइज, यह प्रमेय जो होती है वो गाइज लामी की थ्योरम होती है, और इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है गाइज। ये होता है जैसे ये फोर्स लगा है तो इसके सामने कितना एंगल बन रहा है, अल्फा, तो ए अपॉन साइन अल्फा, ये बी लग रहा है तो बी के सामने कितना एंगल बन रहा है, बीटा, तो बी अपॉन साइन बीटा हो जाएगा, और ये हमारा कौन सा सी, सी के सामने कितना एंगल बन रहा है, गामा, तो सी अपॉन साइन गामा हो जाएगा, यही हमारी लामी थ्योरम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ पावर पूछ लिया गया, यूनिट ऑफ पावर होती है पी इक्वल टू होता है फार्मूला डब्ल्यू अपॉन टी, और डब्ल्यू होता है वर्क, वर्क मतलब जूल पर सेकेंड, या तो जूल पर सेकेंड नहीं है ऑप्शन, तो जूल पर सेकंड नहीं है तो दूसरा मात्रक होता है इसका वाट, ठीक है गाइज, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, वाट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गाइज, पैरामीटर ऑफ पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के पैरामीटर्स कौन से हैं गाइज, ये तो सभी को पता होने चाहिए, एक्स इक्वल टू 80² बाई इक्वल टू 280 इसके पैरामीटर्स होते हैं, और नहीं समझ में आ रहा है तो गाइज एक्स बाई की जगह ये वैल्यू रख के देखिए, जो इक्वेशन है इसको LHS इक्वल टू RHS को सेटिस्फाई कर देगी, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने 3 रख के देख लिया है, एक्स की जगह 80, बाई की जगह 280, 280 का स्क्वायर, और इधर एक्स की जगह हमारा 80 लगा दे, दोनों साइडें देखो गाइज इक्वल आ गई, 4a² t² 4a² t², तो बी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 82 देख लीजिएगा गाइज, एक पार्टिकल का पैरामीट्रिक इक्वेशन एक्स दे रखा है गाइज, बाई दे रखा है, और जेड दे रखा है, तो गाइज हमें सिंपली पोजिशन वेक्टर पता होता है, आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है गाइज, तो इसकी वेलोसिटी पूछी है, तो जो आर पार्टिकल पता होगा पोजिशन वेक्टर में, उसमें आर की जगह वैल्यू लगा देंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की, तो आर पोजिशन वेक्टर मिल जाएगा, उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसी भी, ठीक है, पोजिशन वेक्टर का, तो वो हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। तो गाइज ये 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट होगा वो देख लेंगे, तो पहले पोजीशन वेक्टर ये होता है गाइज, इसमें हमें तीनों में एक्स बाई जेड पता था, तीनों की वैल्यू लगा दी यहाँ पे, तो ये मिल गया हमारा पोजीशन वेक्टर, इसका आर आर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो डी आर अपॉन डी टी ही क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, और इधर ई की पावर माइनस टी का करेंगे तो ई की पावर माइनस टी, और माइनस टी का दोबारा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, कॉस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी, और साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83, इसमें लिखा गया है इफ़ एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो गाइज यहाँ से आप एक चीज़ क्लियर कर रहे होगे, तो एफ एक्स और ये दोनों 0 कब हो सकते हैं, जब एफ माइनस एक्स जो होगा वो माइनस एफ एक्स के इक्वल हो, तभी तो ये होगा, और स्टार्टिंग में एफ एक्स लिखा है और ये माइनस एफ एक्स दे रहा, तो दोनों कट के कितने हो जाएंगे 0, और एफ एक्स एफ माइनस एक्स इक्वल टू देख लीजिएगा गाइज, अगर f माइनस एक्स इक्वल टू अगर कोई माइनस देता है बाहर, तो वो कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है, ठीक है गाइज, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स तो प्लस ही रहेगा, और एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा, तो ये कट के कितना हो जाएगा 0, तो ये कब हुआ, जब ये ऑड फंक्शन हुआ तभी ये 0 पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। 84 क्वेश्चन देख लेंगे, लिखा है गाइज किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रगति की प्रोबेबिलिटी जो है, मतलब एक लड़की है प्रगति, जिसको जिसने किसी प्रॉब्लम मतलब कोई समस्या को सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 दे रखा है, जबकि तृप्ति जो दूसरी लड़की है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 आपसे पूछा गया है, तब उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मतलब प्रगति द्वारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और ठीक है दूसरा तृप्ति द्वारा उस
समस्या को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो इन्होंने पूछा है उस समस्या को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सॉल्व करने की गाइस बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं, तो हम सिर्फ निकालेंगे ये कि उस समस्या को सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो गाइस सिंपली बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं इसको। तो क्या करेंगे, प्रगति द्वारा सॉल्व करने की कितनी थी 1/3, ना करने की 1 से माइनस कर दो 2/3। ऐसी तृप्ति द्वारा 1/2 सॉल्व करने की, ना करने की भी 1/2। अब दोनों के द्वारा ना करने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेना है। तो ना करने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ना तो प्रगति से सॉल्व हो रहा है ना ही तृप्ति से सॉल्व हो रहा है। तो दोनों की, एक की 2/3 और एक की 1/3 मल्टीप्लाई कर ली तो कितना हो गया 1/3, अर्थात क्वेश्चन को सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, तो 1 से क्या कर देंगे इसको माइनस कर देंगे, और 1 से 1/3 माइनस करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ़ 2+i इज ए रूट ऑफ इक्वेशन x²-ax+1=0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। गाइज इसमें एक गलती आप मत करिएगा, गलती ये है कि अगर आपने ये सोच लिया कि ये रूट है तो रूट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हाँ करेगा, बट जो ऑप्शन आप लगाओगे वो इस ऑप्शन में मैच नहीं करेगा, वो आई में रिजल्ट रहेगा आपका, आप आई गाइव नहीं कर सकते हो गाइज उसमें। तो गाइज क्या करिएगा, अगर किसी इक्वेशन का रूट इस तरह से दे रखा है तो उसका दूसरा रूट जो होगा वो 2-i हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसका कंजुगेट बन जाएगा 2-i। अब इसका एक रूट 2+i है तो उसका दूसरा रूट 2-i हो जाएगा। अब आप गाइस खुद समझिएगा आई कैसे कैंसिल हो सकती है, दोनों रूट्स का सम कर देंगे तो आई से आई कट जाएगी और 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है गाइस। और इधर से सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए अपॉन कितना हो जाएगा 1, तो 4 = a/1, अर्थात ए इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई से कितना आ जाएगा 4, यही हमने आगे कर रखा होगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, एक रूट 2+i है तो दूसरा रूट 2-i हो जाएगा, और सम ऑफ रूट्स निकालेंगे 2+i एंड 2-i कटेगा आई से आई, और इधर हो जाएगा ए अपॉन 1, तो 2 से 2 कट गया 4, ए इक्वल टू कितना हो गया 4। तो गाइज यहाँ तक जो क्वेश्चन है मैंने 85 कवर करा दिए हैं। अगर गाइज आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और कमेंट कर दें कौन सा पार्ट अच्छा लगा, क्या क्या प्रॉब्लम थी, जैसा भी लगा हो ठीक है गाइज शेयर करिएगा, और प्लीज़ चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।